जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और एआईसीसी के जो नॉमिनेटिव कोऑर्डिनेटर है, इनको भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एआईसीसी ने 6 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जम्मू कश्मीर की, इनका काम क्या होगा, क्यों ये बनाए हैं, इनका पर्पज क्या है बनाने का? देखिए, ये प्रिपरेटरी है और गतिविधि को बढ़ाने के लिए है। दूसरा, कोऑर्डिनेट करना, इसका नाम ही कोऑर्डिनेटर है कि हमने ब्लॉक स्तर तक ग्रास रूट से लेकर के एआईसीसी तक कोऑर्डिनेशन का काम करना है। जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें कोऑर्डिनेटर्स को सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोऑर्डिनेट करनी है, कैंडिडेट से लेकर के वर्कर, क्योंकि कैंडिडेट अपने काम में व्यस्त होता है, तो पार्टी की सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना एक हमारा मकसद होता है। दूसरा, प्रिपरेटरी जो है इलेक्शन से घोषित होने से पहले, मुझे लगता है कि हमको जो कार्यकर्ता हैं, अपनी यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक यूनिट्स हैं, पंचायत यूनिट्स हैं, बूथ यूनिट्स हैं, उन तक समन्वय और रब्ता बनाना है ताकि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इलेक्शन चले। और दूसरा, आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव में उतर रहा है और कहीं कहीं हमारी इन सीटों पे कोई हमारे सहयोगी भी चुनाव लड़ सकते हैं सीट शेयरिंग में, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर का काम है कि कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे बिटवीन द पार्टीज़, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टी जो हैं वो यहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रही है। इसलिए ये तमाम काम जो है ये एक तैयारी है और पूरे ज़ोर शोर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी जम्मू कश्मीर में। हमारी लद्दाख तक जो है आप जानते हैं एक वक्त था कि हमारी सारी सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो नॉन बीजेपी के पास होती थी या एक आध सीट बीजेपी को निकालती थी। हमारा प्रयास होगा कि बीजेपी का खाता यहाँ से खाली जाए जम्मू कश्मीर लद्दाख से। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जो आप जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जो जिनको बनाया गया है, क्या आप लोगों को आगे चल के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये मैंडेट है आपको कि उनके साथ आप बात कर सकते हैं, जैसे किसी सीट पे क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है? नहीं, देखिए, बात यह है कि वो तो इंडिया अलायंस के लिए अलायंस ग्रुप जो है हाई पावर्ड हमारा बना है, जिसमें मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी और बाकी हमारे नेता हैं, वो तो तय करना है। लेकिन जब कैंडिडेट तय हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों के बीच में तालमेल बनाना भी एक काम होगा। और अभी तो अपने कार्यकर्ताओं में तालमेल बनाना इकाइयों में काम होगा। और दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस में तो हमारे साथ सहयोगी यहाँ है ही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, पैंथर पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और CPM है, CPI है, IDP है और कई ऐसे दल हैं जो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन उनका वोट बैंक है कई जगह पे। और सीट शेयरिंग जब होगी तो उसके बाद भी तालमेल करना, उससे पहले भी तालमेल। लास्ट सवाल है कि क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक में बाकी जगहों पे कोई अभी सीट एडजस्टमेंट का इतना नहीं बन रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर में आप होपफुल हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो कि मेन प्लेयर्स हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए, उसके उनके साथ आपकी सीट शेयरिंग हो जाएगी? देखिए, ये मैंडेट हमारा तो नहीं है लेकिन पार्टी हाईकमांड कांग्रेस पार्टी उसमें बड़े भाई का रोल अदा कर रही है और हमें विश्वास है कि तालमेल बनेगा और जैसा भी चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स इंडिया अलायंस को ही मिलेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रविंद्र शर्मा, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और उनको कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया गया है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ये साफ दावा कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहेगा, न सिर्फ ये मॉनिटर करेंगे पूरे एक्टिविटीज़ को जो पोल रिलेटेड तैयारियाँ हैं या एग्जीक्यूशन जो करनी है कैंपेन की, बल्कि जो चयन है कैंडिडेट्स का उसमें भी ये अपना फीडबैक देंगे। एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन कोऑर्डिनेटर्स का। और आगे चल के इनका ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस मिल के यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो भी जल्द से जल्द तय हो जाएगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।